जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि चालू है। इस गुप्त नवरात्रि में कहते हैं कि माँ कामाख्या इस वक्त पूरी तरह से, कहते हैं ना, इस माँ अपने इस बाल धो के स्नान करके, क्योंकि सब जानते हैं कि कामाख्या मंदिर में, कहते हैं ना, पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर जहाँ पत्थर से, कहते हैं पत्थर से खून निकलता है। कहते हैं इस वक्त माँ खुद, जैसे हम औरतें एक तरह से 3 दिन अस्तुत रहती है, उसमें माँ अस्तुत तो नहीं रहती, लेकिन पत्थरों से खून निकलता है, जिसका कहते हैं ना कामाख्या कपड़ा सिंदूर सब हमें सब वहाँ से मिलता है। इस वक्त माँ नहा धो के एकदम, कहते हैं, विश्व सुंदरी षोडशी माँ का रूप लेके उनका अंबुज का मेला किया जाता है, उनके श्रृंगार में सब कुछ किया जाता है, इसलिए गुप्त नवरात्रि की जाती है। गुप्त नवरात्रि की वजह से, कहते हैं ना, इस वक्त अगर हम कामाख्या त्रिपुर सुंदरी यौवन शक्ति कोई भी सिद्धि इस गुप्त नवरात्रि में करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सिद्ध हो जाता है और हमें उसका फल भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि माँ साक्षात इस वक्त अपने आप को प्रकट करके श्रृंगार करके सब, कहते हैं ना, श्रृंगार करके इतनी विश्व सुंदरी जैसा स्थापित होती हैं और नवरात्रों में जो आशीर्वाद देती हैं वो, कहते हैं ना, एकदम एक आदमी जिस चीज़ को हासिल करना चाहता है ना, उस चीज़ को बड़े आसानी से हासिल कर जाता है। मतलब ये कहते हैं ना, कोई भी इस वक्त की साधना की हुई एक, वो आदमी खुद एक असाध्य हो जाता है, वो खुद लोगों की मदद कर सकता है, पैसों से उसकी अच्छी रहती है, आकर्षण शक्ति ज़बरदस्त रहती है, कोई उसको पीछे नहीं हटा सकता, दुश्मन उसके आगे सर झुकाते हैं कितना भी कोई चाहे, क्योंकि माँ कामाख्या का साक्षात आशीर्वाद रहता है और माँ कामाख्या सामने खुद खड़ी रहती हैं। मैं ये कहूँगी कि आप जो भी ये इस वक्त लॉकडाउन है, जो भी चाहे इस वक्त घर में वो सिद्धि करें या किसी गुरु से करवा लें, लेकिन इस नवरात्रि में करना ज़रूरी है। आज नवरात्र का 3रा दिन है, माँ षोडशी माँ का दिन है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना सही समझा कि इस वक्त गुप्त नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि जो बगैर बताए किसी को चुपचाप की जाती है। इस वक्त आप जो भी साधना करेंगे उसमें आपको अपने आप बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि साक्षात माँ कामाख्या आपके साथ है, माँ दक्षिणेश्वरी काली माँ आपके साथ है। गुरु मंत्र की सिद्धि भी इस वक्त बहुत अच्छी होती है, जो इस वक्त गुरु मंत्र की सिद्धि कर लेता है उसको बड़ा फल मिलता है, जो इस कोई भी ऐसी साधना कर लेता है, कामाख्या त्रिपुर सुंदरी, कामाख्या यौवन शक्ति, कामाख्या कहते ना विश्व सुंदरी या कामाख्या आकर्षण शक्ति, कोई भी शक्ति ऐसा कोई भी अगर आपने सिद्धि कर ली कामाख्या की, तो आपको सर्व सिद्धि योग का फल मिलता है। मतलब सर्व सिद्धि योग माँ आपके पास साक्षात आती है, राजेश्वरी योग मिलता है, क्योंकि राजेश्वरी योग है। इस बार अंबुज का मेला नहीं किया जा रहा है कामाख्या में, क्योंकि हम वहाँ के पंडित हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब बंद है, इसके लिए सो सॉरी, क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त जो वहाँ पहुँचते थे, लेकिन ये है कि आप बेफिक्र होके पूजा करिए, बेफिक्र होके आप इसकी आराधना करिए, साधना करिए, माँ कामाख्या का आशीर्वाद हर जगह से आपके साथ है। इसलिए हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप तक हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन पहुँचे, हर एक चीज़ का जो भी जानकारी हो पहुँचे, कि आप अच्छे से रहे। और लॉकडाउन है बहुत जल्द, धीरे धीरे देखिए वायरस का कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, बस अपने अंदर हिम्मत बना के रखिए। ये वक्त है अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहने का, और दूसरा ये वक्त है सबके साथ अच्छे से रहने, किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि देखिए अचानक से ऐसी ऐसी खबरें आ रही है कि अचानक से कोई चला जा रहा है, ये जिसका सोचा भी नहीं था, इसलिए किसी का दिल मत दुखाइए। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है कि मेरा केशव आ रहा है, केशव को भी इस माँ का आशीर्वाद मिलेगा, हमने भी साधनाएँ चालू कर दी हैं, बहुत सारे भक्तों ने हमसे भी साधनाएँ चालू करवा दी हैं, जिसको करवाना है वो अपने गुरु से या किसी से भी करवा सकते हैं। आज के दिन से शुरू कर दीजिए, आज के दिन से नवरात्रि पूरी होने तक वो साधना पूरी हो जाएगी और आपको अभीष्ट फल मिलेगा, आप एक असाध्य पुरुष हो जाएंगे, जो इंसान सोच नहीं था, आप खुद एक लोगों की मदद कर सकते हो। कामाख्या का एक कहते हैं ना इतना पावर है कि वहाँ का नील पर्वत वासनी है, वो नील पर्वत वासनी मतलब नीले पर्वत पे रहती है, उनके सौंदर्य की तो जितनी बखान करो कम है। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और जो मैंने कहा है उसे जरूर करिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी।